छिंदवाड़ा शहर सहित जिले में अनेक संस्थाओं और ग्रुप सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों के लिए हमेशा कार्य किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में जागते रहो ग्रुप सदस्यों द्वारा समय समय पर क्षेत्र के गरीब वर्ग और जरूरतमंदों के लिए हमेशा तत्पर कार्य करते आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस ग्रुप के सदस्यों ने इस बार क्या अनोखा कार्य किया है। इस बार जागते रहो ग्रुप द्वारा पूरे जिले के सभी थानों में पुलिस के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन के ऐसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा के पुलिस लाइन में यह आयोजन किया गया। अभी तक ग्रुप द्वारा 5044 लोगों की निशुल्क जांच करा दी गई है, जिसमें 596 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करा दिया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के SP मनोज रॉय, ADM राजेश शाही सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नेत्र जांच के डॉक्टरों द्वारा SP मनोज रॉय सहित सभी बड़े बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों ने अपनी आंखों की जांच करवाई है। वहीं जागते रहो ग्रुप और जेल प्रबंधन के सहयोग से जिला जेल में बंदी भाइयों को ठंड को देखते हुए कंबल और स्वेटर वितरित किए गए। वहीं महिलाओं को गर्म मफलर और शाल भी वितरित किए गए। जेल में सभी 600 लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस दौरान जेल अधीक्षक यजवेंद्र बागमारे, समाज सेवी रिंकू चौरसिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला जेल मुख्यालय हमारा जो इसकी जिला छिंदवाड़ा का जेल है, यहाँ पर बहुत ऐसे कुछ कैदी थे जो कि इनके आगे पीछे कोई नहीं था और इनको ठंड से बचाने के लिए आज हमारे जो बागमारे पुलिस यहाँ पे जेल अधीक्षक महोदय हैं, इनके मार्गदर्शन दिशा निर्देश से यहाँ पर अभी लगभग 20 कैदियों को स्वेटर दिया गया है और इसके साथ ही में महिलाओं को लिए स्कॉप और लोई की व्यवस्था की गई है। जिला के अंदर में 24 थानों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन के आयोजन के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी आज हमारा किस्बा थाना यहाँ पर पुलिस लाइन में हमने पूर्ण किया है। अभी तक 5044 लोगों की आंखों की हमने निःशुल्क जाँच करा दी है और 596 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करके वापस ले आए। जागते रहो ग्रुप खून करिश्ता ग्रुप जिले में निरंतर मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्यों को कर रहा है। जरूरतमंद मरीजों को 1230 यूनिट रक्तदान, 3000 से अधिक कंबल वितरण, एम्बुलेंस सेवा, पानी की व्यवस्थाओं के टंकियां निर्माण, जंगलों में वन जीवों को बचाने के लिए टंकी का निर्माण, ऐसे कई कार्य जागते रहो के माध्यम से किए जा रहे हैं। एक जागते रहो ग्रुप की तरफ से हमारा एक स्वेटर का वितरण है। जो बंदी है, जो समर्थ नहीं है, अपने लिए संसाधन नहीं जुटा सकते ठंडी से बचने के लिए, तो जागते रहो ग्रुप में रितेश चौरसिया जी, गौतम जी के सौजन्य से और उनके जो सहयोगी उन लोग के सौजन्य से हमने बंदियों को स्वेटर्स का वितरण किया है। महिला वार्ड में हम गर्म मफलर और शॉल का वितरण करेंगे और हमने इनको परमिट किया था और भविष्य में भी हमारी कोशिश रहेगी कि जागते रहो ग्रुप के साथ जुड़ें ताकि जेल में कुछ अच्छी चीज़ें हो पाए तो वो करें। और नेक्स्ट वीक भी हमारा प्लान है कि एक नेत्र शिविर लगाएंगे जिसमें चश्मे वगैरह का वितरण करेंगे। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।